कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये जीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी सफलता का जश्न मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी मनाया गया। पार्टी की जीत पर कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का दम्भ टूटा है। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी को लेकर विक्टिम कार्ड खेला था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। आज कर्नाटक भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चला गया। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेश भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के हाथों से चला जाएगा। इस तरह पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जीत का श्रेय हमारी पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जाता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। साफ हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का जो दम था, अहंकार था, उस अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो दशा हुई है, आज कर्नाटक जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, कल मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। आने वाले दिनों में जहां जहां भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है और उनके झूठ को और लूट को पहचान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने वाली नहीं है, इसको जनता ने जमीन से ही उखाड़ कर फेंक देने का निश्चय कर लिया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।